जब सृष्टि नहीं थी तब सृष्टि बनाने वाले भगवान ने सृष्टि बनाई, सृष्टि चलाने के लिए मनुष्य मानव को पैदा किया, वह हमारे पुरखे, और सृष्टि चलाने के लिए भगवान ने धर्म की रचना की, वह धर्म के आधार पर हमारे पुरखे करोड़ों करोड़ों वर्षों तक संपूर्ण पृथ्वी पर जीते थे। मानी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, भारत, एशिया सब में रहने वाले हिंदू हमारे ही पुरखे थे, इसलिए रशिया से लेकर अमेरिका से लेकर इंग्लैंड, अरबस्तान, यूरोप सब जगह पर हिंदू धर्म की अनेक स्मृतियां अवशेष मिलते हैं। महाभारत के बाद जो परिस्थितियां खड़ी हुई उसमें धर्म के रास्ते पर अर्थात सत्य के रास्ते पर, मानव कल्याण के रास्ते पर और विश्व कल्याण के रास्ते पर चलने वाले हमारे पुरखों के विरुद्ध अधर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों का एक बहुत बड़ा संघर्ष शुरू हुआ, और यह संघर्ष में दुनिया भर में जो फैले हुए हमारे पुरखे थे वो खत्म हो गए, या तो मारे गए या कन्वर्ट उनका धर्मांतर हो गया। आज हमें यह याद भी नहीं है कि कभी इंग्लैंड भी हमारा था, रोम भी हमारा था, यूरोप भी हमारा था, अरबस्तान हमारा था। हमारी याद, हमारी स्मृति अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश तक सीमित रही, परंतु यह लंबी लड़ाई में दुनिया भर में हिंदू समाप्त हो गया। पर वह लड़ाई अब हिंदुओं का जो केंद्र भारत था वो भारत में आ गई, और भारत में भी हिंदू बचेगा या नहीं बचेगा वो प्रश्न खड़ा होने लगा। और जिस तरीके से हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है अनेक शताब्दियों से, वो हमारी जनसंख्या घटने का क्रम और मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या का क्रम चालू रहा, तो अगले 50 वर्षों के बाद कभी भी भारत में हिंदू अल्पसंख्यक होकर खत्म हो जाएगा। आज से 50 वर्ष पहले मलेशिया भी इस्लामिक देश, मुस्लिम बहुल देश नहीं था, यह 50 वर्षों में मुस्लिम बहुल और इस्लामिक देश हो गया। भारत भी तेजी से उसी दिशा में जा रहा है, इसलिए दुनिया भर में हिंदू खत्म हो गया। संघर्ष भारत में हिंदुओं के केंद्र पर आया, और हिंदुओं के केंद्र में भी हिंदू बचेगा या नहीं बचेगा यह परिस्थिति आई। उस परिस्थिति में भारत में हिंदुओं की रक्षा, जिनको हिंदुत्व कहा, हिंदुत्व अर्थात हिंदू समाज की, हिंदू धर्म की, हिंदुओं के देश की, उनकी रक्षा, हिंदुओं के घर, व्यापार, संपत्ति, समृद्धि, उनकी रक्षा, उनके सम्मान की रक्षा, उन सबके लिए आज एक शब्द हिंदुत्व कहा गया। वह कभी गाय बचाओ के नाम पर, मंदिर के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर व्यक्त हुआ होगा, परंतु महाभारत से आज तक चल रही दुनिया भर के हिंदुओं की लड़ाई जो भारत में आई, वह व्यापक संघर्ष में राम मंदिर कहीं सिंबल, गाय कहीं सिंबल, कोई मंदिर सिंबल बना, और यह संघर्ष के केंद्र कभी व्यक्ति बनते हैं, संस्था बनती है, यह संघर्ष का केंद्र कभी आर्य समाज पर बना, भारत सेवा संघ पर बना, कभी कोई राजा भी बने, यह संघर्ष के केंद्र में आधुनिक समय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस बना, और आरएसएस के द्वारा खड़ा हुआ जनसंघ, बाद में भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, ऐसे सभी संगठनों ने अपनी अपनी तरीके से हिंदुओं की यह धरती पर बचाने की भूमिका अदा करने का तय किया। डॉक्टर हेडगेवार ने 1925 में कहा था कि मैं डॉक्टर हेडगेवार कहता हूं भारत हिंदू राष्ट्र है,
डॉक्टर हेडगेवार ने कहा था कि हिंदू ही राष्ट्रीय है। ये दोनों वाक्य का अर्थ यह है कि हिंदू के अलावा कोई भारत में राष्ट्रीय नहीं है। और मैंने भी आरएसएस में सैकड़ों बौद्धिक दिए हैं कि जिनके पुरखे एक है, जिनके शत्रु एक है, जिनके मित्र एक है, जिनकी आकांक्षा एक है, वही यह देश के राष्ट्रीय है। तो हमारा पुरखा, हमारा आदर्श, हमारा हीरो तो महाराणा प्रताप है, और उनका आदर्श, उनका हीरो महाराणा प्रताप जिनसे लड़े वह अकबर है। मानी जिनके मित्र एक नहीं है, शत्रु एक नहीं है, उनका राष्ट्र एक नहीं है, इसलिए मुसलमान राष्ट्रीय नहीं है। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने स्टैंड लिया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस स्टैंड के आधार पर आगे बढ़ते रहे। बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने स्टैंड लिया कि किसी भी मजहब में मानने वाला राष्ट्रीय हो सकता है, इसलिए मुसलमान भी राष्ट्रीय हो सकता है, इसलिए मुसलमान आरएसएस में आ सकता है। और व्यक्तिगत मुसलमानों को राष्ट्रीय बनाने की बात के आधार पर व्यक्तिगत मुसलमानों को राष्ट्रीयता का सर्टिफिकेट देने का काम आरएसएस ने किया। यह पहला पतन का चरण था। दूसरा पतन का चरण जब हुआ, जब मुसलमानों को होलसेल राष्ट्रीयता का सर्टिफिकेट देने के लिए राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बना। और तीसरा पतन का परिणाम जब था, जब मोहन जी भागवत ने दिल्ली की लिटियन में कहा कि मुसलमानों के बिना हिंदुत्व नहीं है, अर्थात जो हिंदुओं को बचाने के लिए हमारा महाभारत और उनके बाद जो हमारे पुरखों का संघर्ष चला, जिनका नेतृत्व संघ ने लिया था, इतिहास के काल क्रम में संघ ने यह छोड़ दिया। सिर्फ सैद्धांतिक छोड़ा, ऐसा नहीं है। 32 साल से कहते थे कि जब हमारी सरकार आएगी तो संसद में कानून बनाकर राम मंदिर बनाएंगे, और पूर्ण बहुमत की सरकार आने के बाद जब हमने कहा कि संसद में राम मंदिर का कानून बनाओ, तब 2017 अक्टूबर की भोपाल की मीटिंग में संसद में कानून बनाने की बात छोड़ देने का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हम पर दबाव बनाया। जब मोदी जी ने गौरक्षकों को गुंडा कहा तो हमने कहा कि स्टेटमेंट वापस खिंचवाओ। संघ ने उनसे स्टेटमेंट वापस नहीं खिंचवाया, मुझसे माफी मांगने का दबाव बनाया। मैं ये घटना का वर्णन इसलिए कर रहा हूं कि हिंदुओं को बचाने की यह देश में हिंदू नेतृत्व चाहिए, हिंदू संगठन चाहिए, जिनकी जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ली थी। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ धीरे धीरे हिंदू और मुसलमान दोनों का संगठन हिंदुत्व के मुद्दे पर सॉफ्ट डाइल्यूट, मुसलमानों के मुद्दे पर समझौतावादी अभिगम जो कभी महात्मा गांधी ने 47 में किया था वह हुआ। मानी आज हिंदू समाज अपने अस्तित्व की रक्षा में अनाथ है, न संगठन उनके पास अपना कोई है। अब मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर आता हूं। देश में हिंदुओं की रक्षा और समृद्धि के लिए सरकार चाहिए, सरकार बनती है राजनीतिक दल से। यह देश में वीर सावरकर ने हिंदू महासभा हिंदुओं के लिए बनाई थी आजादी के पहले, और हिंदू महासभा होने के बाद भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आजादी के बाद जनसंघ भगवा झंडा के साथ बनाया, और 75 में जनसंघ का विसर्जन करके एक तिहाई हरा और हिंदुत्व छोड़कर गांधीयन सोशलिज्म गांधीवादी समाजवाद के विचार के साथ एक तिहाई हरा झंडा वाला भारतीय जनता पार्टी आई। वह देश की हिंदू राजनीति के इतिहास में हिंदू महासभा जनसंघ दोनों हिंदुत्व की राजनीति पर चलने वाले चल रहे। अब भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की संपूर्ण राजनीति सिंबॉलिक उनके झंडे में छोड़कर, उनके विचारधारा में हिंदुत्व छोड़कर गांधीयन सोशलिज्म
जिस जनसंघ ने कहा था कि ये देश में कोई माइनॉरिटी हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं, और जनसंघ ने कभी मुस्लिम मोर्चा नहीं बनाया, वो भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम मोर्चा बनाकर, माइनॉरिटी मोर्चा बनाकर संपूर्ण नीतियां मोटे तौर पर कांग्रेस की नजदीक की, और ये करते करते टोकन हिंदुत्व मानी। केदारनाथ के मंदिर में जाना, पर अयोध्या से 30 किलोमीटर दूर रहकर अयोध्या नहीं जाना, तो केदारनाथ मंदिर में जाना वह टोकन हिंदुत्व है। हिंदुत्व के मूल कोर मुद्दे राम मंदिर, गौ रक्षा, कश्मीरी हिंदुओं को बसाना, बांग्लादेशी, कॉमन सिविल कोड धारा 370, ये सब छोड़े टोकनिज्म की बात, यह करने तक भारतीय जनता पार्टी रही। अर्थात हिंदू समाज अनेक शताब्दियों के संघर्ष के बाद अपनी अंतिम हार्टलैंड मातृभूमि में अपनी अस्तित्व की रक्षा के संघर्ष कर रहा है, और 50 वर्षों के बाद भारत में हिंदू समाप्त हो जाने की संभावितता है। तब जिन्होंने नेतृत्व की जिम्मेदारी ली थी, ठेका लिया था, वह संघ भी, आरएसएस भी अपने विचारों में, व्यवहार में, और जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी भी विचार और व्यवहार में हट गई, तब हिंदू समाज अनाथ बन गया। और हमारे सामने प्रश्न, हम काम करें नहीं करें, कितना करें कितना नहीं करें, यह नहीं है। प्रश्न यह है कि 50 वर्षों के बाद हमारे वंशज भारत में हिंदू के नाते जिंदा रह पाएंगे, सम्मान से रह पाएंगे? इसलिए संघर्ष सिर्फ भारत के लिए नहीं है, सभी हिंदुओं के लिए नहीं है, संघर्ष हमारा पोता पोती हिंदू के नाते जिंदा रहेंगे या नहीं, उनका संघर्ष है, जो संघर्ष हमारे पुरखों ने किया था। और संघर्ष के इतिहास में 1528 में बाबर भारत में इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के सामने जीता, और 1528 में बाबर के विजय के बाद 1707 में औरंगजेब के मृत्यु तक लगभग 200 वर्ष दिल्ली में मुगलों का शासन, जो हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा अत्याचार अपमान का रहा। तब हम कितनी लड़ाई जीते थे? बहुत कम लड़ाई जीते थे। हम जीते उनसे हारे थे, और सिर्फ हारे नहीं, मरने का डर, उनके बीच भी हमारे पुरखों ने संघर्ष किया, और वह संघर्ष में हम बचे रहे। आधा भारत गंवाने के बाद भी आधा भारत आज भी हिंदू बहुल भारत है। इसलिए संघर्ष में हार होती है, जीत होती है, बार बार हार होती है, बार बार हार होने के बाद भी यदि हम संघर्ष छोड़ देते हैं तो वह देश इस्लामिक देश बन जाता है, जो अरबस्तान का हुआ। अरबस्तान ने 50 साल से ज्यादा संघर्ष इस्लाम के सामने नहीं किया, हमेशा के लिए अरबस्तान इस्लामिक देश बन गया। हमने 200 वर्ष तक मुगलों के शासन के और निरंतर पराजय के बाद हमने पराजय नहीं स्वीकारा, संघर्ष चालू रखा, और 1707 में औरंगजेब के मृत्यु के बाद हमने 1757 में दिल्ली कब्जे करके सदाशिव भाव के नेतृत्व में मुगल राजा को हराकर खंडिया बनाकर फिर से मुगलों की छाती पर अपना झंडा गाड़ दिया था। पर सदाशिव भाव ने मुगल बादशाह को हराकर अपना झंडा गाड़ा, उनके पहले 200 वर्षों का इतिहास विजय के इतिहास से ज्यादा पराजय का इतिहास था। पर एक पराजय के बाद लड़ाई छोड़ दी, अरबस्तान हमेशा के लिए इस्लामी स्थान बन गया। अनेक पराजय के बाद हमने लड़ाई नहीं छोड़ी, वह हिंदुस्तान हिंदुओं का स्थान आधा कटने के बाद भी बना रहा। हमारे सामने फिर से एक बार चुनौती है, हम अरबस्तान का रास्ता लेंगे जहां एक पराजय के बाद लड़ना छोड़कर इस्लामिक स्थान बना दिया था, या जिन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया है।
जिन्होंने हिंदुओं को मझधार में छोड़ दिया है, उनके विजय के कारण क्या हम अपना रास्ता छोड़ देंगे? तो फिर भारत इस्लामिक देश और 50 वर्षों के बाद सृष्टि के प्रारंभ से भगवान ने जिन हमारे पुरखों को पैदा किया था, उस परंपरा के अंत के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। चुनाव में 90 करोड़ मतदाता थे, वोट पड़ा होगा 90 करोड़ में मोटे तौर पर 55-60 करोड़, और 60 करोड़ में जीतने वाले को वोट मिला होगा 20-22 करोड़। हम 100 करोड़ हिंदुओं में 22 करोड़ हिंदुओं का निर्णय कहीं अनेक कारणों से है, निर्णय व्यक्त हुआ ईवीएम मशीन के द्वारा, उनके आधार पर क्या इतने शताब्दियों के हमारे पुरखों के संघर्ष को रोक देंगे? मुझे लगता है रोक नहीं देना चाहिए। मैं 10 साल की उम्र में जब व्यक्ति को न इतिहास का पता है, न भूगोल का पता है, न भविष्य का पता है, उस उम्र में पहली बार सोमनाथ के मंदिर के दर्शन पर गया था और मंदिर के पीछे गजनी ने तोड़े हुए सोमनाथ के भग्न अवशेष, टूटे हुए पत्थर देखा था, तब हिंदुओं की रक्षा के लिए जीवन लगाने का संकल्प खड़ा हुआ था। यह संकल्प किसी की शिक्षा के कारण नहीं, संघ की शाखा के कारण नहीं, यह तो पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण खड़ा हुआ होगा। और मैं मानता हूं देश में लाखों की संख्या में जो कार्यकर्ता खड़े हुए, आज भी खड़े हैं, बलिदान दिया, उन्होंने भी पूर्व जन्मों में धर्म के लिए कोई न कोई योगदान दिया है, इसलिए इतनी बड़ी मात्रा में कार्यकर्ता खड़े हुए। परिस्थितियां बदलती है और राजनीति की परिस्थितियां बदलती है।